फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों, ग्राफीय विधि से हल करें। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चों से हर साल बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग बड़े आसानी से ग्राफीय विधि, या इसको आलेखीय विधि भी कहा जाता है, तो आलेखीय विधि से कहिए या ग्राफीय विधि से कहिए, आपको हम समीकरण हल करना सिखाते हैं। तो चलिए, आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे। मान लो 3x+2y=18, पहला समीकरण हो गया, इसका नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1, और x-4y=-8, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों समीकरणों से x का मान निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों समीकरणों से x का मान निकाल लेना है। चलिए, तो हम लोग समीकरण 1 से x का पहले मान निकालते हैं। आइए, समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट्स, 3x+2y=18 है ना। चलिए, अब x का मान निकालना है, तो हमें x को बाएं पक्ष में रखना है, x को बाएं पक्ष में रखना है, अब बाकी सबको मैथ के नियम के अनुसार बराबर के बाद लेकर चल जाना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 2y प्लस में है, तो बराबर के बाद जाएगा तो ये 2y आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप लिखो स्टूडेंट्स, 3x=18-2y, 18-2y, एंड x के पीछे ये 3 गुना कर रहा है, x में 3 गुना कर रहा है, तो जो संख्या गुना में होता है वो बराबर के बाद भाग में चला जाता है, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, x बराबर 18-2y, 18-2y/3, ठीक है? अब y का मान आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रखिए, 10 तक, 11 तक भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि 8, 9 तक मिल जाए तो अच्छा है। एंड माइनस में आप -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, मतलब -9 से लेकर +9 तक आप कोशिश कीजिए कि हम वाई का मान रखें और एक्स का मान ऐसा निकालें जिसमें बटा का झंझट न हो, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर x का मान आप बटा में निकालेंगे तो ग्राफ बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और परीक्षा में ढेरों टाइम लग सकता है और गलती भी हो सकता है। तो ऐसा विद्या किस काम का जो परीक्षा में 5 नंबर आपको ना दिलवाए। तो हम लोग दिमाग में रखेंगे कि x का मान तो हमें निकालना है लेकिन बटा में नहीं आना चाहिए, ये कोशिश पूरी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी y का मान डाल डाल कर x का मान निकालेंगे। y का मान तो हमारे अपने हाथ में है, कुछ भी डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि y का मान डालने के साथ x का मान कहीं बटा में तो नहीं आ रहा है, इस चीज को हमेशा आपको देखना होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सारणी बना लेते हैं x और y के लिए। हमें दो दो मान पता करना है, हमें x तथा y का दो दो मान पता करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब क्यों दो दो मान पता करना है ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए, फिलहाल तो इस तरह से आप बॉक्स बना ले, ऊपर x डाल दे, नीचे y डाल दे। अब y का मान आप अगर बच्चों 1 डालते हैं, सोचिए अगर हम y का मान 1 डालते हैं तो क्या होगा, 18-2×1/3, ठीक है? तो 18 में से आप 2 घटाइएगा तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 16 मिलेगा ना, 16 मिलेगा। अब बाटा में 3, अब 3 से 16 तो कटेगा नहीं, तो जिस चीज का हम लोगों को डर था वही हुआ। तो y का मान 1 डालने से x का जो मान आया बउआ वो तो आपको बटा में आ गया, और मैंने आपको कहा है कि अगर बटा का झंझट आया तो ग्राफ खींचने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा या तो फिर आप गलती कर देंगे। तो हमें ना
वाई का मान भी पूर्णांक चाहिए और एक्स का मान भी पूर्णांक चाहिए, यानी हमें बटा का झंझट तो ग्राफ के टाइम रखना ही नहीं है। तो चलिए अब वाई का मान एक को हम छोड़ दे रहे हैं। इसी तरह से वाई का मान आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेक करते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मन में आ गया होगा कि y का ऐसा मान रखना है जिससे x का मान भी पूर्णांक मिले। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने y का मान 6 रखा, y का मान कितना रखा, अब 6 रखा। माने रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अब हम 6 क्यों रखते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो 6 डाल के इसमें सरल कीजिए, पहले तो मन ही मन चेक कर लीजिए, 6 × 2 = 12, 18 में से 12 घटाइएगा, बोलिए कितना बचेगा, 18 में से 12 घटाइएगा तो 6/6 बच जाएगा, और 6/3 तो कट के 2 आ जाएगा, यानी कि काम बनता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट। देखिए 18 - 2 और y के वैल्यू इस बार हम डाल रहे हैं कितना, 6, यहाँ 6 डाल दीजिए और बटा में तो फिक्स है कि 3 ही है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ, 18 - 6 × 12 एंड बटा में कितना, 3, 18 में से 12 घटा लीजिए बुआ, 6/3 काटोगे तो 3 × 2 = 6, तो ये आपको 2 मिल गया। x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया, माने y का मान डालने से जो आपको वैल्यू आ रहा है वो किसका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, ये x का वैल्यू आ रहा है। चलिए इसी तरह से y का कुछ दूसरा मान कोशिश कीजिए कि हम एक और मान हमको निकालना है, चूँकि हमें x के भी 2 वैल्यूज और y के भी 2 वैल्यूज चाहिए। तो अब हम ना स्टूडेंट्स y का वैल्यू -3 डालते हैं। आपको दिमाग में रखना है कि हमें y का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y का वैल्यू आप -9 to +9 इतना में चेक कीजिए, और x का ओ वाला मान लिख लीजिए जो बटा में नहीं आता हो। अब कहिएगा सर अगर -9 से +9 तक डालने के बावजूद भी हमें नहीं मिला तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 10 भी चेक कर सकते हैं, 12 भी, 11 भी चेक कर सकते हैं, -10 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि -9 से +9 तक आपको 2 मान मिल ही जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो अभी -3 डाला, तो अब क्या होगा जरा इसको हम सरल करके दिखाते हैं। तो एक्स बराबर, आइए 18 - 2y, तो 18 - 2 और y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, माइनस में 3 ले रहे हैं, और बाटा के नीचे तो फिक्स ही है कि 3 है। अब इसको सरल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 18 एंड -2 × 6, -, लेकिन प्लस हो जाएगा और बाटा के नीचे है 3, 18 में 6 जोड़िएगा बुआ तो कितना हो जाएगा, 24, अब बटा में कितना है 3, तो 3 × 8 = 24 कट गया। देखिए बटा में ना आया बटा में, तो हमें बटा से बचना है स्टूडेंट्स, हमें बटा से बचना है, तो यहाँ पर आप 8 भर दीजिए। इस तरह से पहले समीकरण के लिए स्टूडेंट्स, पहले समीकरण यानी 3x + 2y = 18 के लिए आपको x के 2 मान मिल गए और y के 2 मान मिल गए। इसी तरह से अब समीकरण 2x - 4y = -8 के लिए एक सारणी आपको पूरा करना है। तो समीकरण 2 से भी अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 2 से भी हम लोग x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 से भी x का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है x - 4y = कितना, तो -8, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो x को इधर रखना है बाएं साइड, अब बाकी को ले जाना है दाएं साइड, तो ये माइनस में 4y उधर गया यानी बराबर के बाद, तो प्लस में 4y, यहाँ प्लस छुपा हुआ है और माइनस में 8 तो पहले से है। अब हमें इसमें y का मान फिर -9 से लेकर +9 के बीच में कुछ भी डालना है और x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ सबसे मजे की बात है यहाँ तो कुछ भी डाल दो चलेगा, क्योंकि यहाँ तो बटा है ही नहीं, इसलिए यहाँ तो कोई टेंशन आपको पैदा होगा ही नहीं, आपको जो मन में है सो डाल दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर ग्राफ के प्रश्न में आ जाए तब तो क्या कहना है भाई, मजा ही मजा। तो चलिए कभी कभी मजेदार बात भी हो जाया करती है एग्जाम में। चलो तो यहां पे x लिख दीजिए, यहां पे y लिख दीजिए, और प्यारे बच्चों
आपको y के दो मान इसमें लिखना है और उसी के हिसाब से आपको x के दो मान निकाल भी लेना है। चलिए तो y का मान हम एक डालते हैं, क्योंकि इस बार तो बटा है ही नहीं, कुछ भी डालिएगा ना इसमें तो चलेगा। तो चलिए बिना कोई एक्सपेरिमेंट किया, बिना कोई सरल किए हुए y का मान एक डाल दिए, चार में एक से गुना होगा तो चार, आ चार में से आठ घटेगा तो माइनस में चार। जब भी आपका छोटा संख्या में बड़ा संख्या माइनस होगा तो माइनस में आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स हम y का मान चार डाल देते हैं, y का मान चार डालेंगे तो चार गुना चार कितना हो जाएगा बोलिए, चार गुना चार कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा, और उसमें से आठ घट जाएगा तो चार चौक सोलह में से आठ घट जाएगा तो आठ बच जाएगा, तो इसमें आप आठ डाल दीजिए। तो इस तरह से दोनों समीकरणों के लिए आपको सारणी को पूरा करना होगा। आपने यहाँ भी सारणी पूरा कर लिया, यहाँ भी सारणी पूरा कर लिया। जब ये सारणी आपका पूरा हो जाए तो समझ लीजिए ग्राफ का 80% काम आपका क्लियर हो चुका है। अब बच जाता है 20% काम, वो कहाँ, ग्राफ के पेपर पर। अब यहाँ पे मैं एक बात चर्चा कर दूँ कि यहाँ पे x तथा वाई के दो दो मान क्यों लेना था। देखिए आपने सिंपल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि किसी सरल रेखा का ग्राफ खींचना हो तो हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि दो भिन्न बिंदुओं से सिर्फ एक ही सरल रेखा खींचा जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स तथा वाई के दो मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि दो भिन्न बिंदु अगर हमें दे दिए जाएँ तो एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक्स के दो मान और वाई के दो मान आपको प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि दो बिंदुओं से यूनिक स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल करती है, सरल रेखा जाती है, गुजरती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हमें इस सारणी और इस सारणी के लिए ग्राफ खींचना है। इस तरह से हमें दो सरल रेखा प्राप्त होगा ग्राफ के ऊपर। अब दोनों सरल रेखा एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटता होगा उसका जो नियामक होगा, निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, वही 3x प्लस 2y बराबर 18 और x माइनस 4y बराबर माइनस 8 का क्या हो जाएगा बुआ, सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए तो हम अब ग्राफ के पन्ना पर आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो चलिए हम ग्राफ के पन्ना पास में रखे हुए हैं, लीजिए ये आपका ग्राफ का पेपर आ चुका है। अब हम इसी पे दिखाएंगे आपको खींचकर ग्राफ। चलिए सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक वाई अक्ष की ज़रूरत पड़ेगी और एक एक्स अक्ष की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि मिडल से ही लाइन खींचिए। चलिए तो सबसे पहले हमने ये लिया वाई एक्सिस, वाई अक्ष लिया एंड एक और क्षैतिज रेखा हमको फिक्स करना है इस समतल में ग्राफ पेपर के ऊपर, जिसको कि एक्स अक्ष कहा जाएगा। बिना एक्स अक्ष और वाई अक्ष का तो हम ग्राफ खींच ही नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आप बड़े प्यार से चलिए अब आपका ये हो चुका है, देख लीजिए। आप राइट साइड में एक्स लिख दीजिएगा और लेफ्ट साइड में एक्स डैश लिख दीजिएगा। इधर माइनस वाला संख्या रहता है, इधर प्लस वाला संख्या रहता है, एक्स के तरफ प्लस, और वाई अक्ष पे ऊपर आपको प्लस में वाई लिख देना है एंड डाउन में नीचे आपको वाई डैश लिख देना है, ठीक है। पहला काम ये कर लीजिएगा और ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं इस पॉइंट को, इसको मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं, 0.0 इस पॉइंट का निर्देशांक होता है स्टूडेंट्स। अब आपका जो पहला समीकरण का सारणी था, जरा उसको हम दोबारा दिखाएंगे आपको, इसमें आप देख सकेंगे x का मान 2 था, y का मान 6 था, x का मान 2 था, y का मान 6 था। तो चलिए x वाला पर 1 2
और वाई का मान छः था, तो वाई वाला पर एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। चलिए अब दो के सामने हम बढ़ते हैं और छ के सामने बढ़ते हैं, चूँकि दो कौमा छ जो है प्रथम पाद का बिंदु होगा, तो यही है आपका प्रथम पाद, तो दो कौमा छ का हम लोग स्थिति निर्धारित कर लेते हैं। ये वाला जो बिंदु है ना वह दो कौमा छ को निरूपित करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक पॉइंट तो ये हो गया दो कौमा छ, उसके बाद दूसरा था आठ कौमा माइनस तीन, दूसरा क्या था आठ कौमा माइनस तीन, यानी एक्स का मान आठ वाई का मान माइनस तीन, एक्स का मान आठ, तो चलिए यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे छ है, यहाँ पे सात है और यहाँ पे आठ है। x का मान आठ और y का मान कितना माइनस तीन, तो हमें नीचे जाना होगा माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, ठीक है। अब x का मान आठ y का मान माइनस तीन, तो ये प्लस कॉमा माइनस कहाँ होगा स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए आठ के सामने आइए और तीन के सामने बढ़िए और पॉइंट को स्थान निर्धारित कर दीजिए। अब क्या करना है आपको ना, अच्छे से इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है स्टूडेंट्स। चलिए देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है आप लोगों को, बोलिएगा दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना है, घबराना नहीं, आराम से दोनों बिंदुओं को मिला देना है, ठीक है। मिला दिया दोनों बिंदुओं को, अब लिख दीजिए ये फर्स्ट वाला बिंदु क्या था दो कौमा छः, यहाँ पे लिख देना है कि ये बिंदु है मेरा दो कौमा छः, और ये जो दूसरा बिंदु है बुआ ये है आठ कौमा माइनस तीन, आठ कौमा माइनस तीन। चलिए ये तो हो गया आपका। अब दूसरे समीकरण के लिए जो पॉइंट्स हैं जरा उनको मैं दिखाता हूँ, दूसरे समीकरण के लिए वह एक्स का मान माइनस चार वाई का मान एक, एक्स का मान माइनस चार, एक्स का मान माइनस चार, चलिए तो बाएं साइड में चलिए एक्स अक्ष पर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, एक्स का मान माइनस चार वाई का मान प्लस एक, तो वाई का मान प्लस एक तो वाई एक्स पर प्लस एक तो यही है एक, ठीक है। तो एक के सामने आइए और माइनस चार के सामने जाइए तो आपको पॉइंट का स्थिति निर्धारित हो जाएगा। ऐसे भी आप जानते होंगे कि माइनस कॉमा प्लस जो है, माइनस कॉमा प्लस जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित पॉइंट होता है, यही तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो माइनस चार कॉमा एक जो है वो तो द्वितीय पाद में बिंदु है, तो यहाँ पर द्वितीय पाद में मैंने पॉइंट ले लिया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है दूसरे समीकरण के लिए वो क्या है आठ कौमा चार, यानी एक्स का मान आठ वाई का मान चार, एक्स का मान आठ ये रहा, एक्स का मान आठ और वाई का मान चार, तो चलिए वाई का मान चार यहाँ है, एक्स का मान आठ यहाँ है, तो दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में होंगे, तो प्रथम पाद में चलिए आठ के सामने और चार के सामने, चार के सामने आइए और आठ के सामने आइए, यही पॉइंट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है बुआ, इन दोनों बिंदुओं को बड़े प्यार से मिला देना है, तो चलिए अच्छे से आप लोग इन दोनों बिंदुओं को भी मिला ही दीजिए। मिला देना है बड़े प्यार से, चलिए तो यहाँ पे आपने दोनों बिंदुओं को जोड़ने का काम कर लिया, बहुत अच्छा। अब जरा बताइए किन किन बिंदुओं से गुजरा ये रेखा, तो माइनस में चार कौमा एक से गुजरा,
जो कि द्वितीय पाद में ये है, और 8.4 ये आपका बुआ प्रथम पाद का बिंदु है। ठीक है, चलिए अब आपको देखना है कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटा है, देखना है। ये कटान बिंदु को देखिए, तो गौर से देखिए, यहाँ से आप x अक्ष पर भी लंब डाल दीजिए, x अक्ष पर भी लंब डाल दीजिए, और यहाँ से y अक्ष पर भी आप लंब डाल दीजिए। ठीक है, ये कटान बिंदु है, इससे तो x अक्ष पर जाइएगा तो 4 मिलता है, y अक्ष पर जाइएगा तो 3 मिलता है। तो अब आपका ये कटान बिंदु जो है वही तो आंसर हो गया। तो बस अब आपको यहाँ पर लिख देना है x, y = 4.3, और 4.3 ही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप रेखाओं को दर्शा सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो आपका रेखा है, ये कौन सा रेखा है, तो ये है आपका 3x, ये है आपका बुआ 3x + 2y = 18, इसका ग्राफ है। एंड ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है आपका, ये है x - 4y, ये है x - 4y = दूसरा है क्या, -8। तो इस तरह से दोनों समीकरणों का ये आलेखीय विधि से हल हो गया। 4.3 आपको ध्यान रखना होगा ग्राफ के लिए। अब तो ये ग्राफ बन चुका है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आप लोग ना जब तक ये नहीं जानेंगे कि कौन सा बिंदु कहाँ होता है, तब तक ग्राफ खींचना आपको प्रॉब्लम करेगा। तो हालांकि इसकी जानकारी तो 9th क्लास में ही बच्चा पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ। देखिए, ये मूल बिंदु होता है जहाँ एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये जहाँ पे कट रहा है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, 0.0। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसको प्रथम पाद में माना जाता है, यहाँ पे एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है, ये आपका द्वितीय पाद होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स आपका माइनस होता है लेकिन वाई आपका प्लस होता है, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, एंड ये वाला है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एक्स आपका प्लस होता है और वाई आपका माइनस होता है। अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है तो गारंटी है कि वाई का मान 0 होगा, अगर कोई पॉइंट वाई अक्ष पर स्थित है तो गारंटी है कि एक्स का मान 0 होगा। तो इस तरह से कौन सा पॉइंट कहाँ स्थित है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, और इसी तरह का उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube पे हम एक्टिव रहते हैं और बच्चों के लिए उपयोगी वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।